अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अज़ाद न्यूज़। मैं हूँ ऐशा कुरैशी। शहबाज शरीफ का दामाद इमरान अली यूसुफ तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ निकला। ऐसा कारनामा सर अंजाम दे डाला कि वज़ीर आला पंजाब भी हक्का बक्का रह गए। बैंकिंग अदालत नंबर 4 में वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली यूसुफ के खिलाफ 2,50,00,000 रुपये रिकवरी का दावा दायर कर दिया गया। यूनाइटेड बैंक डेविस रोड ब्रांच की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के दामाद इमरान अली यूसुफ को 2.5 करोड़ रुपए का नादहंदा करार दे दिया गया। बैंक की तरफ से हसन मसूद एडवोकेट ने इमरान अली यूसुफ के खिलाफ रिकवरी का दावा बैंकिंग अदालत नंबर 4 में दायर किया गया। अदालत में बैंक के वकील ने मौकिफ इख्तियार किया कि इमरान अली यूसुफ ने बैंक से 2.5 करोड़ रुपए की रकम बतौर कर्ज ली, लेकिन बाद में रकम वापस ना की गई। इमरान अली यूसुफ को मुतअद्दिद बार रकम जमा कराने की मोहलत दी, लेकिन बैंक को रकम न दी गई, जिस पर अदालत में दावा दायर किया जा रहा है कि वकील ने अदालत से इस्तदा की कि इमरान अली यूसुफ से रकम दिलवाई जाए। अदालत ने दावे पर अहसन मसूद एडवोकेट की इब्तदाई बहस के बाद इमरान अली यूसुफ को नोटिस जारी करते हुए 28 जनवरी को तलब कर लिया, जबकि दूसरी जानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनमा मरियम नवाज ने कोर्ट मोमन जस्सा में खिताब से पहले डाइस से बुलेट प्रूफ शीशा हटवा दिया। हफ्ता को मरियम नवाज अपने वालिद के हमराह कोर्ट मोमिन में जलसागाह में पहुंची, जहां पर खिताब से पहले डाइस से बुलेट प्रूफ शीशा हटवा दिया और कहा कि पहली बार मियां साहब के साथ किसी जलसे में आई हूं, मुझे खुशी है कि इसका आगाज कोर्ट मोमिन से हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनमा मरियम नवाज ने कहा कि मियाँ साहब ने खून पसीना एक करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। नवाज शरीफ ने अदलिया को बहाल कराया। 2013 में नवाज शरीफ ने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। कराची जैसे दहशतजदा शहर को अमन का गहवारा बनाया।